वो जी तो नहीं। दोनों समधी आपस में मिलते हैं जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली आइए, प्लीज वेलकम। बारियन और हम लोग साथ ही उतरे थे गाड़ी से, वो कहाँ रह गया? बाबा उनकी बेटी उनके साथ है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाएंगे वो लोग आराम से। ये क्या बात हुई, हम लोग एक गाड़ी में आए, दूसरी गाड़ी से उतर के तुम हाथ पकड़ के हमें यहाँ ले आए। माँ आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, हाथ पकड़ के चलना पड़ता है ना, तो मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? देखिए कितने कमजोर हो गए, चलने के लिए भी सपोर्ट देना पड़ता है, और शौक भी अब यहाँ है दादा। गाड़ी से उतरने के बाद आपका बेटा आप दोनों को पकड़ कर सीधा यहाँ ले आया। अरे वो, अरे बारिन अंकल मुझे लगा कि आपकी बेटी आपके साथ है तो आप लोग आ जाएंगे, अगर आप अकेले होते तो मैं आपको साथ ले आता। हाँ बाबा आपकी बेटी है ना आपके साथ, आपको किसी और की क्या जरूरत है? अगर पकड़ना ही है तो मेरा हाथ पकड़िए, आई प्रॉमिस जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। आई एम श्योर। और मीनू की ये बातें सुन के दादा और दादी हंस पड़ते हैं, पर छोटौन बड़बड़ करता है। निकले मैं मिलने वाला ही कहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नजरे क्यों चुरा रही हूँ मीनू? छोटौन को तो शादी से डर लगता है, तुम्हें भी लगता है क्या? वैसे मैं तुम दोनों का हाथ पर मिलवा के रहूंगी। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा बाउदी। अरे ऐसी क्यों कह रही हो? छोटौन बहुत अच्छा है, हीरा है हीरा, मेरे लिए तो टूटा हुआ कांच है। और ये सुनकर तो छोटौन को गुस्सा ही आ जाता है। बाबा हाँ? आप लोग कब तक यहाँ बात करते रहेंगे, जाइए ना आराम से बैठिए जाके। बारिन अंकल आप भी जाइए। हाँ हाँ हाँ। अरे छोटौन हाँ उधर जाके मैनेज करो, मैं इन लोग के साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। जी दादा। आइए देवर जी। अब तनुजा पूछती है कि अर्शी तैयार हुई कि नहीं, और तभी सब देखते हैं अर्शी को आते हुए दुल्हन बनी हुई, और सजी धजी अर्शी बिल्कुल बला की खूबसूरत लग रही है, पर उसके साथ कौन है आज, उसे तो झनक लेकर आ रही है, और ये नजारा देख कुछ नोटिस किया तुमने विपाशा? हाँ हाँ झनक ही उसे ला रही है। ठीक हुए जी, झनक को ये सजा मिलनी ही चाहिए। और सृष्टि आंटी बहुत स्मार्ट है, छोड़ने वाली नहीं है। सही बोल रही हो, सही हुआ इसके साथ। अर्शी बेटा, you're looking so gorgeous. God bless you, बेटा। Thank you. देवरानी जी, खूब सुंदर लग छे, किसी की नजर ना लगे, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। वही छोटौन दादा दादी के पास बैठा है उनकी देखभाल में, और तभी विनायक आता है इजाजत मांगने की अब उनके पोते को मंडप तक लेकर जाना है। और अब अन्नी की दादी बोलती है कि शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, पर विनायक छोटौन से कुछ बातें करने के लिए उसे बुलाता है, और छोटौन और विनायक अब आपस में बातें करते हैं, जहाँ विनायक बोलता है शादी में संप्रदा मुझे करना है, आपने मुझसे कहा था ना कि आप लोगों का ख्याल रख लेंगे। हाँ? तो प्लीज थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, एक ही बेटी है मेरी, विदा कर रहा है उसे। विनायक जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप छोटे भाई की तरह मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। छोटौन भरोसा है इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है मैं मिलता हूँ। और इस तरह विनायक छोटौन को थोड़ा स्पेशल फील कराता है शादी में। और वहीं अब सृष्टि अपनी बेटी को देख और फिर झनक जब तक सारी रस्में खत्म नहीं होती तुम अर्शी के साथ ही रहना। हुए बहुत अच्छा हुआ, ये पीछे पड़ी थी ना, अब देखना क्या होता है, अब खुद अर्शी को अनी के हाथों सौंपने जा रही है। और सृष्टि अब अर्शी को लगाती है काजल का टीका, ताकि उसकी बेटी को किसी की भी नजर ना लगे, खास करके झनक की। पर अप्पू दीदी तुम मेरे साथ बैठोगे और साथ में शादी देखेंगे? जी मैं आती हूँ आपके साथ। चलो मैंने कहा यही रुकना जाना मत।
और इस तरह सबके सामने जनक को ऑर्डर करती है सृष्टि एक नौकरानी की तरह, और सभी देखते हैं जनक को एक बार फिर जलील होते हुए। जब अब सारी रस्में मैं नहीं कर पाऊंगी ना, मैं लड़की की माँ हूँ तो कुछ रस्में तुम्हें भी करनी है। और पहले होगा शुभो दृष्टि, तो पान पत्ती ले लो। वर और कन्या एक दूसरे को पहले देखेंगे नहीं, फिर जब पंडित जी बताएंगे बाद में, तो कन्या पत्तियां हटाएगी और वर को देखेगी। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? जी। तो पान पत्तियां ले लो और अर्शी को दे दो, और हाँ शंख बजाते हुए अर्शी को वहां लेकर आना, ठीक है ना? जी। ठीक है लाल, वहां की तो सारी तैयारियां हो चुकी है, अर्शी को लेकर जाने के लिए बाकी सबको भी तैयार करो। जी मैं लेकर आता हूं। और अब जनक को बुरा तो लगता भी है, पर हंस देती है शायद अपनी ही किस्मत पर। और शंख बजाते हुए अब अर्शी को लेकर आते हैं सब। जो काम एक नौकर का होता है वो अदा करती है जनक, एस्कॉर्ट करने का। और फाइनली अब अर्शी को लेकर आते हैं सभी पाटे पर, और उठाकर पान के पत्तियों से चेहरा छुपाकर आती है अन्नी की दुल्हनिया, जहां जनक सिर्फ एक उसकी दासी की तरह रह गई सृष्टि के ऑर्डर्स के मुताबिक। और वहीं अब अन्नी खड़ा है इंतजार में मंडप के पास अपनी दुल्हन के लिए, जहां लाल, छोटौन और बाकी दो दोस्त अन्नी के अर्शी को अपनी जिंदगी की सबसे अहम फैसले की ओर लेकर जा रहे हैं, शंख की धुन के साथ जो बजा रही है झनक। और सभी बेहद खुश हैं अर्शी को अब दुल्हन के लिबास में देख, इतनी खूबसूरत जो लग रही है वो। और पारंपरिक तरीके से सभी अर्शी का स्वागत करते हैं शादी के लिए, पर अब अन्नी को देख अचानक झनक का शंख से हाथ हट जाता है जब अन्नी के बगल से गुजरती है झनक। और अब छोटौन भी देखता है कि कितना गलत हो रहा है झनक के साथ और कितनी तकलीफ में होंगी वो। आखिर आज जहां अर्शी है वहां तो हिसाब से झनक होनी चाहिए, आखिर एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और पहले उनकी शादी भी हो चुकी है, पर छोटौन का सुनेगा कौन। और अब एक बार फिर अन्नी और झनक की नजरें मिलती है, और इस बार सृष्टि सब देख रही है कैसे उसके होने वाले दामाद किसी और लड़की के तरफ देख रहे हैं, वो लड़की जो अर्शी के नाखून के बराबरी नहीं कर सकती सृष्टि के हिसाब से। पर अन्नी और झनक की तो नजरें अब हटती ही नहीं एक दूसरे पर से, और अब अर्शी को अन्नी के सामने लाया जाता है और उसकी परिक्रमा हो रही है अन्नी के चारों ओर, पर अन्नी का ध्यान तो अर्शी पर कम और झनक पर ज्यादा है। क्या पान की पत्ती हटाने पर अन्नी को सामने पाएगी अर्शी, या उसकी नजरें उस पर होगी ही नहीं, क्योंकि अन्नी बेहद आज दुखी लग रहा है। आज अपनी ही शादी वाले दिन कुछ उसका जैसे रह गया है झनक के पास, पर कोई क्या समझे। पर सृष्टि अब आग बबूली हुई है जहां अन्नी और झनक बातें करते हैं मन ही मन। और रशी दीदी की शादी हो रही है, आज सच में मैं सरजी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। उस दिन जो हुआ था वो झूठ आज मिट चुका है। मैं किसी और का हुई है अजमल, हमेशा के लिए। तुम मानो ना मानो, लेकिन मेरे जहन का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा रहेगा। और अब सृष्टि को कुछ गड़बड़ जरूर लगता है, पर क्या देर हो गई। जहां अन्नी और झनक की नजरें एक दूसरे के ऊपर से हटती ही नहीं, और अब अर्शी को अन्नी के सामने लेकर आया जाता है जहां वो पान की पत्तिया को अब हटाएगी और अन्नी को देखेगी। और थोड़ी देर के लिए तो जैसे समय थम सा जाता है सबके लिए जब ये रस्म को पूरा होते देखते हैं सब, और खुशी से झूम रहे हैं सब। और जहां अन्नी अर्शी को निहारता तो है, पर उसका दिल
अभी भी झनक के पास ही है। आखिर अर्शी अन्नी को पाकर भी अब उसकी कभी नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, और ये बात सृष्टि को अब समझ आ गया है। पर अब करे भी तो क्या, और अब वरमाला का समय है और विपाशा माला लाकर देती है दोनों को, जहां अन्नी का ध्यान अब भी झनक पर ही है। और अब फाइनली अर्शी अन्नी को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है, पर अन्नी के चेहरे पर आज वो खुशी नहीं दिखती है जो होना चाहिए था एक दूल्हे राजा के चेहरे पर। पर अर्शी पहना तो देती है माला, और जहां फूलों की बरसा होती है दुल्हा दुल्हन पर, अब अचानक झनक को अन्नी की दूरी नहीं सही जाती। और इस समय जहां सभी खुशी से फूल बरसा रहे हैं, वहां झनक को ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीमती चीज उससे छीना जा रहा हो, और उसकी तो मुस्कुराहट ही अब गायब हो जाती है। पर अब जहां अर्शी को वरमाला पहनाना है, अन्नी अर्शी की वजह झनक को ही देख रहा है, और छोटौन को भी अब पता है कि आज अन्नी को अपनी गलती शायद पता चल गई है, क्योंकि उसकी निगाहें आज अर्शी को नहीं बल्कि झनक को ही ढूंढ रही है बार बार। और हाथ में वरमाला तो है, पर अर्शी को क्या नहीं पहनाना चाहता अन्नी, क्योंकि उसके रुके रुके हैं आज कदम अपने जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे में।